हेलो गाइस, वेलकम टू तेजमंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से रिलेटेड तीन काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहला अपडेट है इसकी रिलीजिंग डेट से। आप सभी को पता होगा 5 जुलाई को ये मूवी रिलीज होने वाली थी, पर सोनी कंपनी ने फैसला करा, क्योंकि उस पर मार्केटिंग राइट्स हैं, तो उन्होंने फैसला करा कि इसकी रिलीजिंग डेट को 2 जुलाई कर देते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको स्पाइडरमैन 5 जुलाई को नहीं 2 जुलाई को देखने को मिलेगी। इसके बाद इसकी ऑफिशियल इमेज लॉन्च करी गई है, जिसमें स्पाइडरमैन के साथ MJ भी नजर आई है, और देन उसके साथ साथ हमारे निक फ्यूरी और मारियल भी नजर आए हैं, जिसमें कि स्पाइडरमैन की दोनों इमेजेस में अलग अलग सूट पहना हुआ है, तो काफ़ी कमाल की लग रही है। अब उसके बाद बात करते हैं कि स्पाइडरमैन के भी हाल ही में लीगो सेट लॉन्च करे गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा स्पॉइलर निकालते हैं, जिसमें कि हमें एक क्वीन जेट नज़र आता है। तो इससे ये पता लगा जा रहा है कि ये एक इनविजिबल क्वीन जेट है, जिसमें कि स्पाइडरमैन पीछे बैठा होगा और मारियल और निक फ्यूरी आगे बैठे होंगे। तो ये कैसा क्वीन जेट है जो कि आज तक हमें MCU में देखने को नहीं मिला, बट अब पॉसिबिलिटी है कि ये हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये थे वो तीन कमाल के अपडेट। अब आपको 2 जुलाई को ये मूवी देखने को मिलेगी, जो कि ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उसमें स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।